हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको टिश्यूज के बारे में बताने वाले हैं। टिश्यूज क्या है, जो ऊतक बेसिक सेकंड ईयर में प्रयोगात्मक प्रथम प्राथमिक ऊतक कोशिकाओं को किस प्रकार से विभाजन किया जाता है। तो जो कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जो कोशिकाओं का समूह कहलाता है, जिसको हमने दो भागों में डिवाइड किया कि जो ऊतक कोशिकाएं होती कैसी है। तो इस प्रविभाजी ऊतक होते हैं, दूसरे होते हैं परमानेंट ऊतक, परमानेंट स्थायी ऊतक कहते हैं। जो प्रविभाजी ऊतक होते हैं, ये एक प्रकार की ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनमें कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहता है, विभाजन की क्रिया होती रहती है। ऐसी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है। ये सब भुजाकार एवं गसी हुई कोशिकाएं होती हैं, जिनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है एवं विभाजन करके वृद्धि करती रहती है। इनमें अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होती है, स्थायी ऊतक होती है, ये कैसी कोशिकाएं होती है, इनमें एक लिमिटेड डिवीजन होता है। एक लिमिट में ये विभाजन करती है और इनमें विभाजन के समय ये कोशिकाएं उतनी ही लिमिट में विभाजन करके अपनी परमानेंट टिश्यू का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ये परमानेंट टिश्यू, परमानेंट स्थायी ऊतक हम इनको कहते हैं। इनमें अंतःकोशिकीय अवकाश पाए भी जाते हैं और कभी कभी नहीं भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, इनको हमने तीन भागों में बांटा। एक सिंपल टिश्यूज, सरल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और एक स्पेशल टिश्यूज, विशिष्ट प्रकार के। जो सरल ऊतक सिंपल टिश्यूज होते हैं, इनको भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है पैरेन्काइमा नाम के बने होते हैं सिंपल टिश्यूज, ये कॉलेनकाइमा से भी मिलकर बने होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बने होते हैं। जो पैरेन्काइमा से मिलकर बने होते हैं, पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं, आपने सुना होगा कि हमने कभी भी अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये कोशिकाएं पैरेन्काइमा की है, ये कोशिकाएं स्क्लेरेनकाइमा की है। तो इसी प्रकार से जो कोशिकाएं होती है पैरेन्काइमा से मिलकर बनी होती है, ये कोशिकाएं सरल होती है, इन पर थिक वॉल्ड नहीं होती है, थिन वॉल्ड पतली मिट्टी का एक आवरण होता है। ये कोशिकाएं सरल प्रकार की और उनमें ये अलग अलग शेप साइज में भी पाई जा सकती है। अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी पाए भी जा सकते हैं। ये कैसी होती है, लिविंग होती है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित कोशिकाएं लिविंग होती है। और ये कैसी होती है, कॉलेनकाइमा की कोशिकाएं होती है, ये भी लिविंग सेल्स होती है, लिविंग कोशिकाएं होती है। स्थूल कोण ऊतक कहते हैं, इन पर सेलुलोज का जमाव होता है जिसके कारण में जब इनके एक दूसरे से सटी रहती है कोशिकाएं और इन पर सेलुलोज के श्रावण के कारण एक प्रकार की भित्ति थिक वॉल्ड बन जाती है। इसी प्रकार से स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस मतलब थोड़ी सी थिक वॉल्ड होती है जिन पर लिग्निन का श्राव होता है, जिससे लिग्निन का इन पर जमाव होता है और जब आपस में ही सट जाती है तो इनकी भित्तियां भी सबकी समीप हो जाती है, कभी कभी नष्ट हो जाती है। क्या है स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती है, थिक होती है, मोटी भित्ति वाली। स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं को दो भागों में बांटा है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर और दूसरी है स्टोन सेल्स और स्क्लेरॉइड्स। ठीक है, स्टोन स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर से दृढ़ ऊतक तंतु होते हैं, दृढ़ ऊतक कोशिकाएं भी कठोर हो जाती है, दृढ़ता प्रदान करती है क्योंकि इन पर एक जमाव होता है। वो जमाव किसका है, कोशिकाओं पर लिग्निन का। ठीक है, इस पर सेलुलोज और इन पर लिग्निन का जमाव है और ये नुकीली होती है, लंबी लंबी ट्यूब्स के आकार की भी हो सकती है, जिन पर किनारे कैसे होते हैं पतले होते हैं तथा मध्य में कैसे होती है चौड़े होते हैं। ठीक है, स्टोन सेल्स और स्क्लेरॉइड सेल्स। तो स्टोन सेल्स जो होती है ये स्टोनी होती है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा हार्ड होती है, कठोर होती है हम कह सकते हैं। और उनकी जो कड़े फल होते हैं, फलों में जो आप बीज कर सकते हैं, बीज पर कड़ा आवरण जो होता है वो ही स्क्लेरेनकाइमेटस स्टोनी सेल से मिलकर स्क्लेरॉइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या है। कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो टिश्यूज है ये भी क्या होते हैं, ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं। जाइलम आप सभी जानते हैं, स्टील में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। तो जाइलम होता है, ये क्या होता है, ये ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। जो जाइलम होते हैं आप सभी जानते हैं कि जाइलम का कार्य क्या होता है, जाइलम जल एवं खनिज भोज्य पदार्थों का सबका ऊपर की ओर क्या होता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। किसकी हेल्प से, उसकी कोशिकाओं से। तो ये कौन सी, ट्रैकेट्स, वेसल्स। ट्रैकेट्स कैसी है, पतली भित्ति वाली हम कह सकते हैं। ये कैसी होती, ट्यूब लाइट होती है, किनोरे इनके भी मतलब इसी फेस में होते हैं और ये किनोर
क्या होते हैं, इन्होंने पतले होते हैं और मध्यमा नौटिकी होती है। ट्रैकेट इसी प्रकार से वेसल्स होती है, वाहिकाएं वाहिनिकाएं जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर होता है, फाइबर्स रेशे के समान जो सेल्स होती है, ठीक है। ऐसी प्रकार से जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में भोज्य पदार्थ वगैरह सब संचित रहते हैं मुखांगा, और इसके ये किससे मिलकर बने होते हैं, जो फ्लोएम होता है ये सीवी ट्यूब चारी नलिकाओं का कंपेनियन सेल सखी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है और फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। जो सीवी ट्यूब होती है, कुछ क्यों बोला चारी नलिकाएं, क्योंकि जो कोशिकाएं होती है ये नलिकाओं के समान है तथा इनमें क्या होते हैं चालनी के समान छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इनको चालनी नलिकाएं भी कहते हैं। और जो सखी कोशिकाएं कैंपेनियन जो सीवी जो सेल्स होती हैं ये सीवी ट्यूब्स के चालनी नलिकाओं के समीप होती हैं, समीप स्थित होती हैं और कैंपेनियन सेल्स कहलाती हैं सखी कोशिकाएं, ठीक है। इनमें भी फूड वगैरह सब संचित रहता है, भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फाइबर्स जो धागे के समान फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स आगे जाके किसमें जड्डी हम कह सकते हैं रेसे जो फाइबर्स होते हैं हम जो आप रस्सी वगैरह कह सकते हैं, तो इन सब में फाइबर्स क्या होते हैं बहुत मजबूत दृढ़ होते हैं जिनसे रेसे वगैरह बनती है रस्सियां, ठीक है, वहां पाए जाते हैं हमें ये। स्पेशल टिश्यूज क्या है, परमानेंट टिश्यू का थर्ड पॉइंट, स्पेशल टिश्यूज विशिष्ट प्रकार के ऊतक के दो प्रकार के होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब ग्लैंडुलर ग्रंथि है ना, ग्रंथि कोशिकाओं में जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं और लैटिफेरस जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं ग्लैंड्स में पाए जाते हैं ग्रंथियों में पाए जाते हैं, एक दो प्रकार के टिश्यूज हो सकते हैं ग्लैंडुलर, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जो एक्सटर्नल टिश्यूज होते हैं ये देखिए एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती हैं, एक्सटर्नल मतलब बाह्य ग्रंथियां जैसे कि पत्ती पर तने पर किसी भाग पर रोम छिद्र पाए जाते हैं, उनसे कोई पदार्थ स्रावित होता है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है एक्सटर्नल ग्लैंड्स कहलाते हैं, उनके माध्यम से हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल में जैसे कि मकरंद ग्रंथि या मकरंद एक्सटर्नल बाहर की ओर स्रावित हो रहा है, और इंटरनल ग्लैंड्स क्या होती है, इंटरनल मतलब आंतरिक रूप से इनमें ग्लैंड्स होती हैं, जब इंटरनल पार्ट्स में पाई जाती है कुछ पदार्थ इंटरनल पार्ट्स से बाहर निकलते हैं ग्लैंड्स के रूप में बाहर निकल स्रावित होते हैं, तो वो वाली ग्लैंड्स क्या कहलाती है इंटरनल ग्लैंड्स कहलाती है। लैटिफेरस टिश्यूज ऐसी कोशिकाएं जिनमें दूध लैटिक किसी प्रकार के द्रव्य लिक्विड्स यहाँ पर जैसे कि रबर हम कह सकते हैं, लैटेक्स कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ पदार्थ जो चिपचिपे जो होते हैं ये पदार्थ क्या होते हैं लैटेक्स के रूप में बाहर निकलते हैं, कि जो दो प्रकार के एक लैटेक्स है और एक लैटेक्स वेसल्स, जैसे कि आप कह सकते हैं दूध या लैटेक्स आपने पपीते में देखा होगा, या फिर रबर के प्लांट में कुछ गोंद वगैरह भी आपने देखा, गोंद निकलती है पेड़ों की जड़ों से किस भाग से, तो ऐसे पदार्थों का पाइनस जैसे कि आपने पाइनस देखा पाइनस की ग्लैंड से, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं जब उन्हें लैटिक सेल्स होती है, ये क्या होती है दूधीय प्रकार का लैटिक्स निकालती है जिनका इनका जमाव हो जाता है और ये लैटिक सेल्स कहलाती है जो इनका श्राव करती है। तो एक प्रकार की ग्लैंडुलर हो गई, लैटिसी फेरस हो गई, इसी प्रकार की इसकी वेसल्स होती है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट यहाँ क्लियर करा दिए हैं। एक पहला था आपका परिभाजी ऊतक जिसके अंतर्गत मैंने आपको समझा दिया था कि ये विभाजन करने वाली कंटिन्यूसली विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती है, और जो परमानेंट टिश्यूज हैं स्थायी ऊतक हैं ये किस प्रकार से इतने डिवाइड्स में किया हुआ है, भागों में अलग अलग इनके हेडिंग्स हैं, तो इनको आप क्लियर कर सकते हैं और लिख सकते हैं, इनको अपन बाकायदा हेडिंग डालकर उनको पॉइंट बाय पॉइंट हम चीजों को लिखेंगे समझाएंगे, तो इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन फिर इससे बीच से आपको कोई भी अगर सिंपल टिश्यूज पूछे या स्पेशल टिश्यूज पूछे तो आप इजीली इनको बना सकते हैं, ये सारी आपके हेडिंग्स और आप इनको विथ एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।